अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं बॉर्डर के बिल्कुल करीब। यहाँ पे ये इलाका कौन सा लगता है, कोई है आइडिया? ये लगता है सैदपुर, सैदपुर के करीब ही है, लेकिन सेंटर में वही आ जाएगी दरियाए तवी जो आपको बताया, वो पार करके जाना पड़ेगा। और हम लोग इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल देसी माहौल में, जहाँ पेंडू यानी कि पुराने वक्तों में हुआ करता था, वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने, ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये देखें, ये नलका लगा हुआ है, ये नलका, ये देखें, ऐसे पानी आता है ये। तो उसके बाद ये सामने चूजे हैं, मुर्गी है, ये अपने बच्चों के साथ घूम रही है, ये देखें। और उसके बाद देखें, ये कुल्ली है, जो कुल्ली का नाम बड़ा मशहूर है ना, कुल्ली फकीरां दी। ते ओ किदा, ये सामने आप लोग देखें, ये सामने खुडना बना हुआ है, यहाँ इनका घर है, ये जो घूम रहे हैं ना यहाँ पे चूजे, इनका घर है। और ये इस कुकड़ी का बंदा है, कुकड़। ये सामने यहाँ पे देखें, ये मेरे बैग पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फुल देसी माहौल है। और यहाँ पे हम खड़े हुए थे पानी पीने के लिए, मुंह धोने के लिए, और मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर दी। ये सामने देखें, ये जानवर है, सामने भैंसे हैं। तो ये देखें पूरा देसी माहौल, मैंने कहा आपको, ये टायर है, टायर में इन्होंने इनको घास डाली हुई है। तो हम तो किसी को घास नहीं डालते, ये देखें इन्होंने टायर में घास डाली हुई है। तो सामने हवा चल रही है ठंडी, गांव की ठंडी हवा, और बड़ा पुरसकून मज़ा। ये देखें, ये दरख्त है सफेदे का दरख्त, ठंडी ठंडी छावे, आहा अत्थे फैलांदी छावे, तेरे नामे लाई, एंड नामे लाई है, यकीन कर। उधर वे सामने, सामने वो चल रहा है की पड़ोले, पड़ोला नहीं, ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे टैंक आ रहा है। ये दूर दूर तक आप देख सकते हैं, आपको घास नजर आएगी और रकबा नजर आएगा बजवात का। ये सामने देखें, बड़ी बड़ी दूर तक आपको खेत ही खेत नजर आएंगे, ये देखें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वो इलाका है जहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा है, इस इलाके में हमने अपना बचपन गुजारा हुआ है, यहाँ पे हम पले बड़े हैं। और यकीन करें, शहरों में लाहौर में जब रहते हैं तो हमें ये याद आता है, ये वाली जगह, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अपना जब वक्त गुजारा हुआ है, हमारे दोस्त वगैरह यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो लाजमी हम लोगों ने ऐसे घूमना होता है। अब हमारे पास एक बाइक है, होंडा 125, तो इसके ऊपर हमने ये सारा आपको घुमाया है, फिराया है। तकरीबन हम कितना घूम चुके हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन सुबह 12 बजे के निकले। हाँ, सुबह 12 बजे के निकले। मैं आपको तकरीबन बता दूं, अगर किलोमीटर में हिसाब लगाया जाए तो 150 किलोमीटर से ऊपर हमने घूम लिया हुआ है। इतना हम लोग अगर किसी जगह पे जाना चाहते तो यहाँ से हम लाहौर से होके वापस भी आ जाते, इतना हमने घूम लिया। जी दोस्तों, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक से नज़र पड़ी सडनली हमारी कि यहाँ पे तंबाकू लगा हुआ है, जो लोग मतलब सिगरेट नोशी करते हैं और हुक्का पीते हैं। तो शहर वालों को तो पता नहीं होगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको दिखा दूँ मैं। ये फसल है तंबाकू की, ये आपको नजर आ रही होगी, बहुत प्यारी सी हरे कलर की तंबाकू, इस तरह का होता है। तो ये बनता किस तरह, ये मेरे दोस्त बताएंगे आपको, ये कैसे मतलब, ये तो हरा है इस वक्त, लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हैं सिगरेट में या हुक्के में तो वो तो कलर उसका मतलब ब्राउन होता है, तो वो किस तरह होता है? ये अभी देख लेना, अभी खुशक होगा ना, ये थोड़ा सा और खुशक होगा। अच्छा, ये इधर ही खुशक हो जाएगा? हाँ, अच्छा, इधर ही खुशक होगा, फिर इसकी कटाई करेंगे, कटाई करके तो फिर इसको और मजीद सुखाएंगे, मजीद ये मतलब काट के इसको उसके बाद सुखाते हैं, ये सुखाते हैं। तो ये वो मैंने देखा है कि हुक्के के लिए बना होता है, जो वो
उसको मरोड़ दिया होता है जो, हाँ। तो वो खुद करते हैं उसको? ये भी खुद करते हैं, ये भी अच्छा, खुद ही मरोड़ते हैं। अच्छा, मतलब उसको बनाते हैं, गठरी सी बनाई होती है उसकी, वो खुद बनाना पड़ता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, यकीन करें मुझे पहली दफा पता लगा। मेरे जीजो कार आप सुन रहे होंगे, आपको भी पहली दफा पता लगा होगा, वो गठरी सी बनाते हैं, वो खुद बनानी पड़ती है। लेकिन अगर नेचुरल आप देखेंगे तो इस तरह का होता है, तो बाद में उसको बनाना पड़ता है सारा। ये देख सकते हैं आप लोग, सारा कुछ आपको सामने है। आप जो सिटी में रहते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद, सियालकोट सिटी में, उनको तो पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो दिखा दो। चलें आप आगे चलते हैं थोड़ा सा और।